नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोल न्यूज नाउ में। आज मैं आपको झारखंड लोक सेवा आयोग में जो सर्विस कमीशन की जो भर्ती निकाली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके बारे में एक और नोटिफिकेशन जारी किया है। अब आप उसके लिए दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल जॉब न्यूज नाउ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, झारखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 262 पदों के लिए जो वैकेंसी जो निकाली थी, जिसके लिए आठ मार्च 2019 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी और जो क्लोजिंग डेट थी वो 5 अप्रैल 2019 थी। लेकिन अब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने वो वाली जो नोटिफिकेशन है उसको रद्द करके दूसरी नोटिफिकेशन जारी की है। अब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको लिखना है JPSC रिक्रूटमेंट 2019 और उसके बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें झारखंड लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर जाना है, ठीक है। उसमें हमें सबसे नीचे ये मिलेगा, देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिकल कॉलेजेस ऑफ झारखंड एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये थी जो पहले आई थी वो कैंसिल कर दी है। अब जो दूसरी आई है ये वाली है, ठीक है। तो ये इसमें हमें दिया गया है जो जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो क्या है, ठीक है। ये पहले प्रेस रिलीज, ये क्या है, प्रेस में जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें एक प्रेस नोटिस जारी किया था, ठीक है। चिकित्सक संख्या एक को रद्द करते हुए इच्छुक भारतीय हड़तालियों से पुनः ऑनलाइन आवेदन पत्र 23/4 यानी कि 23 अप्रैल 2019 से दिनांक 15 मई 2019 तक आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप इस वाली साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा प्रेस रिलीज। अब हमें क्या देखना है, एडवर्टाइजमेंट हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ये हमारी एडवर्टाइजमेंट में इसमें हम अप्लाई कैसे करें और क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अप्लाई करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो इसमें दिया गया है एप्लीकेशन का जो प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन अप्लाई हमारा 23 अप्रैल 2019 से 15 मई 2019 के बीच होगा, ठीक है। तो ये इसकी 262 जो वैकेंसी है वो टोटल दिखा रखे हैं कैटेगरी वाइज। वेतनमान है इसका 15,600 से 39,100 और ग्रेड भी है 6,600 रुपये। पद है स्थायी, अवधि है 2 वर्ष, ठीक है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड रिसर्च एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए, एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, ठीक है। ये जो कैटेगरी वाइज जो है आयु में जो छूट होती है वो दी गई है, ठीक है। ये नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया ये कैसे क्या है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसकी जो फीस वगैरह है वो भी हमें
इसमें भी पता चल जाएगी। परीक्षा शुल्क आरक्षित श्रेणी अनारक्षित उनके लिए 600 रुपये और जो आरक्षित श्रेणी है उनके लिए 150 रुपये। ठीक है, इस तरह से आप पूरी एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो ये हमारी थी एडवर्टाइजमेंट। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।